गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 15 अक्टूबर 2020, सुबह के 8:25 हो रहे हैं, थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो कल जैसे हमने देखा जबरदस्त वोलेटिलिटी थी मार्केट में, आज भी वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, तो कॉशियस रहना होगा। ट्रेंडिंग मार्केट इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 14 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,909 और ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,977। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और टूअर्ड साउथ की तरफ जब ये मूव किया तो 11,887 फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 11,867 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी देर एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था, ट्रेंडलेस मार्केट था इस जोन में, और लास्ट के आर जब बचा था तब यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली और ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 11,996 ये भी अचीव हुआ। इसी के पास निफ्टी इंडेक्स ने कल अपना हाई बनाया, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल भी साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार में दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली, नासडैक करीब 95 पॉइंट की गिरावट के साथ बंदा। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर भी मिला जुला कारोबार चल रहा है, लास्ट वन मंथ से वहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट्स में। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, लेकिन हालांकि बाकी के सभी एशियाई बाजार देखे तो इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखे तो वो भी 85 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है, तो कमजोरी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, आज के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ पर टारगेट हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। लास्ट वीक हमने देखा 38.2% का 11,930 के पास लेवल आ रहा था, इसी लेवल के पास इसने ऑलमोस्ट लास्ट वीक का हाई बनाया, और अभी 3 दिन हो चुके हैं इस वीक के, स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी इंडेक्स इस लेवल को पार करने के लिए। अगर इस लेवल को पार करता है तो 12,283 के पहले जहाँ से ये फॉल आया था, जबरदस्त गिरावट शुरू हुई थी, वो 12,000 का लेवल था, 12,000 के आसपास, तो 12,000 के लेवल को ये पेनेट्रेट कर सकते हैं। जब तक 12,000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाता तब तक यहाँ से कंटिन्यू रैली देखना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तो अभी 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, वीक खत्म होने के लिए 2 दिन बाकी है, कहाँ पर क्लोज होता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इस समय ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर अभी ये कल जो यहाँ से ये फिर से इसने बाउंस बैक दिखा, एक गिरावट आई थी सुबह के 17 में जो जीडीपी की न्यूज़ आई थी, फोरकास्ट किया था आईएमएफ ने, उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया और एक सपोर्ट टेस्ट करके साइडवेज पैटर्न था 2-3 घंटे, और उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी। तो ये जो सपोर्ट है ये कहाँ पर कल आ रहा था, अगर हम यहाँ पर ये जो यहाँ से बाउंस बैक आया था तो इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसका 23.2% का ये जो लेवल था इसी के पास निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट टेस्ट किया और एक फिर से बाउंस बैक होने की कोशिश की। तो ये डेली चार्ट में 60 मिनट के चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये 11,824 23.6% का लेवल, यहाँ से एक साइडवेज पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद ही अपसाइड मूव आया, तो इसका लो और हाई पकड़ के अगर हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो इसका 23.6% का लेवल यहाँ पर आ रहा था। आप देख सकते हैं कैसे एग्जैक्ट इसने इस लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया है कई बार। ये आर्ली चार्ट है, 1 आवर का चार्ट, तो यहाँ पर 1-3 बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। पास्ट में भी आप देख सकते हैं इसी लेवल ने सपोर्ट का काम किया था, तो फिर से एक बार इस लेवल ने सपोर्ट का काम किया है निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, अगर हम ये स्विंग हाई लो को पकड़े, ये जो यहाँ से ये हाई और ये जो लो है इसको पकड़े तो ऊपर अभी 12,020 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और उसके बाद हमें 12,143 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 12,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है आर्ली चार्ट में तो हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी में
फिर से एक बार यहाँ पर हमें साइडवेज पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो हाई है 12,021 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 12,024 कर लेते हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,046, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,066, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से अपसाइड मूव आया था, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ। तो ये जो लेवल है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर सक रहा है, लेवल कर रहा था, इसके बाद अभी ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो 11,939 को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,922, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA का ये पिंक लाइन जो कि 11,903 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।